हेलो भाई, मारपी दिवाच गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल। आपके लिए पूर्व में मैं मुख्यमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज आपके लिए और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुच्छेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और जो अनुभव है उसका फायदा उठाइए। संविधान के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। देखिए, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, दोनों ही नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, मुख्य सचिव। वास्तविक की बात करें तो मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर संवैधानिक मुखिया पूछा जाए, संवैधानिक प्रधान कौन होता है राज्य का, तो संवैधानिक होता है राज्यपाल। निम्नांकित कथनों में सही कथन वाले कूट की पहचान कीजिए। ए, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करते हैं। देखिए ये गलत हो गया, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं करते, राज्यपाल के करते हैं। बी, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे। ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है मंत्रिपरिषद का। डी, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। देखिए डी ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सीएम का कार्यकाल होता है उतना ही विधानसभा का कार्यकाल होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्या बता, भजनलाल शर्मा को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 2 साल के बाद में हटाकर वसुंधरा को सीएम बना दिया जाए, तो विधानसभा का कार्यकाल क्या 2 साल का होगा? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो सही है बी और सी, ये बी और सी। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 19 दिसंबर 2023 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 बार, 5 बार अब तक विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 19 दिसंबर 2023 तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव, देखिए विश्वास प्रस्ताव 5 बार और अविश्वास प्रस्ताव 13 बार, ऑप्शन नंबर डी 5/13। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, माराव संग्राम सिंह, पूनम चंद विश्नोई, ओम प्रकाश गुप्ता, कोई नहीं। देखिए, जो राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर माराव संग्राम सिंह, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर माराव संग्राम सिंह और सर्वाधिक बार पूनम चंद विश्नोई, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168। देखिए अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो नहीं पता कितनी बार पूछा जा चुका है, कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। तो राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 167, रट लेना बिल्कुल। अब देखिए उसी अनुच्छेद को घुमाकर यहाँ क्वेश्चन फिर बनाया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 बार। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है,
कर्तव्य, विशेषाधिकार, अधिकार, दायित्व। आपने देखा होगा वहाँ आया था मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो ये क्या हो गया, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही गजब के क्वेश्चन और सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, 164(1), 164(2), 164(3), 164(1) के। देखिए 164(1) इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 164(1) में तीन बातें कही गई हैं। पहली बात है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सीएम नियुक्ति राज्यपाल करेगा, पहली बात 164(1) की। दूसरी बात है मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस आधार पे करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है, ये ध्यान रखना, सीएम सलाह पे। तीसरी बात है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो तीन बातें हो गई अनुच्छेद 164(1) से, तीनों ही बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(2), 164(3), 164(1) के। इसका उल्लेख अनुच्छेद 164(2) में हुआ है। दो में एक ही बात लिखी हुई है, वो है सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, 164(2). बिल्कुल आपको एकक को रट लेना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जो ओल्ड पेपर है आरपीएससी के वो उठा के देखोगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ ग्रहण करता है, कौन सी शपथ लेता है, वो पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ, उपयुक्त दोनों, या व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ। इसका उत्तर होगा, देखिए पद शपथ भी लेता है वो, और साथ ही गोपनीयता की शपथ भी लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त ए व बी दोनों। अब मंत्रियों की जो पद और गोपनीयता की शपथ है वो अनुच्छेद 164(3) में है। रट लेना पद और गोपनीयता की शपथ 164(3). किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, मुख्यमंत्री के साथ पूछा गया है, सीएम प्लस मंत्री, 15, 12, 14, 10, 12, न्यूनतम 12 हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिकतम सीएम सहित 15 हो सकती है। देखिए अगर राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा की, तो 15% निकाल लीजिएगा इसका। मतलब 30 सीएम सहित 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, राजस्थान में सीएम सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, परसेंट में पूछे तो 15% कुल सदस्य संख्या के, और वैसे पूछे संख्या में तो 30 कर देना।
इन दोनों ही बातों का, न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 164 1 कै में हुआ है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसका अनुच्छेद ये रट लेना बिल्कुल, 164 1 1 का भी पार्ट कै। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किस विषय से संबंधित विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है? अनुच्छेद 167 की बात कर रहा है जिसमें सीएम के कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो सीएम किस प्रकार की सूचना राज्यपाल को देता है? प्रशासन संबंधी, विधान विषयक संबंधी, उपयुक्त दोनों, सार्वजनिक महत्व संबंधी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखिए मुख्यमंत्री दो प्रकार की सूचना देना अनिवार्य है, प्रशासन संबंधी और जो विधान विषयक संबंधी है। उपयुक्त दोनों इसका उत्तर होगा ए व बी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? 164 1, 164 2, 164 3, 164 4, 164 5। देखिए चार नहीं है, 64 5। इसका उत्तर होगा 164 5 डी। मंत्रियों को जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संविधान की दूसरी सूची के अनुसार मिलते हैं। देखिए इनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कई बार। और जो शपथ के प्रारूप हैं वो कौन सी अनुसूची में, जैसे पद की शपथ लेता है, गोपनीयता की शपथ, उनका प्रारूप कहाँ पे है, फॉर्मेट कहाँ पे है, तीसरी अनुसूची में है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोनों ही। देखिए जो सीएम से संबंधित अनुच्छेद थे उनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब गाइस देखिए टाइम बहुत कम बचा है, आपकी तरकस में जितने तीर हैं वो सब दाग दीजिए। अब जितनी मेहनत की लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, अब लिमिट क्रॉस करने का वक्त आ गया है। जितनी लिमिट क्रॉस करोगे उतना ही आपकी सक्सेस का पैराग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो क्रॉस अपनी लिमिट क्रॉस कीजिए मेहनत की। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण राजस्थान पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।